So, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? कभी कभी दर्द रहता है, गले में दर्द रहता है और जोर से बोलते हैं ना, जब दर्द होता है, जब रहता है और वजन बिल्कुल कम होता जा रहा है, वजन बिल्कुल कम हो रहा है और घबराहट भी रहती है, घबराहट रहती है और कभी तो ऐसे दूधने लग जाती है, अपना पूरा शरीर दूधने लग जाता है। हाथ ऐसे करो आप, अपने आप में पता नहीं, ऐसे ऐसे उंगली फैलाओ, क्या हाँ उंगली फैलाओ, ऐसे पूरे शरीर में दूध नहीं लगती है, दूध नहीं लगती है। पीरियड्स भी हैं आपके, सही नहीं आते होंगे, महीना भी सही नहीं, महीना भी तो आते हैं, ज्यादा आते हैं और पहले से वजन भी कम हो गया होगा। यस, सो लुक दैट पेशेंट, दिस पेशेंट हैव दिस कंप्लेंट ऑफ लाइक, उनका जो प्रॉब्लम है वजन कम होना, बिल्कुल हड्डियां निकल के देखो, यस, घबराहट होना एंड बेसिकली जो है वो हाथ में ट्रेमर आना। ये जो पेशेंट है बेसिकली है थायराइड की प्रॉब्लम, जिसको हम टॉक्सिक गोइटर बोलते हैं, हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे, काम कर लेते हैं यहाँ से ये ऐसे करते हैं। यस, जैसे हमने इनके जो थ्रोट में देख रहे हैं, ये थायराइड का एक ट्यूमर है, इनके थायराइड की गांठ है। इस थायराइड की गांठ के कारण इनको क्या है, हार्मोन जो है अत्यधिक मात्रा में निकले जा रहा है, और अगर आप इनके हैंड देखते हो तो हैंड में क्या है, ट्रेमर है। एंड अगर हम आईज देखते हैं तो इनकी आईज भी क्या है, बिल्कुल ये वाइड हो रखी है, जैसे कोई स्टेयरिंग लुक हो रहा है। तो ये टिपिकल जो टॉक्सिक गोइटर है, थायराइड की जो समस्या है, इसका जो है वो सिम्टम्स होते हैं, जिनको हमें कभी भी जो है वो हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका डेफिनेटली मैनेजमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, और मेरा इसका एक वीडियो है जिसमें भी आप जाके देख सकते हैं मेरे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के यूट्यूब पे, इसमें क्या है। क्योंकि सबसे पहले हम इनका एक टेस्ट कराएंगे, एक सोनोग्राफी, एक थायराइड का जो है टेस्ट है, उससे हमें पता लगेगा कि थायराइड कितना बड़ा हुआ है। उसके बाद जो ये ट्यूमर है, ये जो गांठ है जिसमें ये हार्मोन निकला जा रहा है, इसका एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, इसको हटाया जाता है, जिससे इनकी आगे इनकी लाइफ सेफ हो और इन सब सिम्टम से बचा जा सके। सो दो टेस्ट की हमें जरूरत है इसमें, एक थायराइड T3 T4 TSH की और दूसरा एक USG ऑफ NAG। थैंक यू।